28वां अध्याय। जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलिते कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास पुब्लियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुब्लियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कुरी था। सुरकुसा में लंगर डाल करके हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूम कर रेग्यूस में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहां 7 दिन तक रहे और इस रीति से रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढांढस बांधा। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं कहा, तो भी बंधुआ होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा क्योंकि मुझमें मृत्यु के योग्य कोई दोष ना था, परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, ना ये कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इसराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत लोग उनके यहाँ इकट्ठे हुए, और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्य दुक्ताओं की पुस्तक से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीति ना की। जब आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह के भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए, और वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा।
और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।